नमस्कार साथियों, किसान भाइयों को राम राम। मैं जैविक किसान, गौ आधारित खेती, मेरा ये मक्का लगा हुआ है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अभी इसमें इल्ली लगा हुआ है काफ़ी, फलाल वार्मी कुछ बोलते हैं ऐसा नाम, तो वो इसमें शिकायत दिखाई दी। तो हमारे को फिर एक दवाई गुजरात के राजकोट के प्रशांत कास्टिंग वाले भरत भाई प्रसाणा ने बताया कि हींग का प्रयोग करो आप। तो हमने लगभग दो दिन पहले इसमें, दो दिन के अगले रोज़ इसमें हींग का प्रयोग किया। हमारे यहाँ पे गीला हींग मिलता है, उसको हमने 200 रुपए का हींग की 20 टंकी बनाया और पर लगभग अच्छी गहरी छिड़काव हमने 2-2.5 बीघा के मक्का में स्प्रे किया। तो ये आप देख सकते हैं, जो जो मक्का पहले खाया हुआ था ये, तो अभी लगभग दो दिन के बाद में ये सब, दो दिन पहले का खाया हुआ आप देख सकते हैं। इसकी जो किनारे हैं ये इसमें नई, मतलब पुराना दिख रहा है, नया अभी का ताज़ा इसमें मुझे कहीं पे भी खाया हुआ ये देख सकते हैं आप। सभी जगह पुराना खाया हुआ है, दो दिन का ये सब इसने निकाल रखा है ये सब। तो नया खाया हुआ अभी बहुत कम दिखाई दे रहा है, काफ़ी कंट्रोल हुआ है। और हमने 20 लीटर पानी में 200 रुपये का हींग, जो 20 ग्राम आता है हमारे यहाँ पे, वो डाल के 1 लीटर पानी एक पंप में और साथ में 1 लीटर गौमूत्र और लगभग 2 किलो गुड़ का घोल 5 लीटर पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा, वो भी हमने एक पंप में डाला। तो ये सब अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारे इस खेत में केचुए मिट्टी निकाल रहे हैं, जबकि कोई अच्छा दन नहीं है, फिर भी हमारा कुछ साइड में अच्छा दन है, अच्छा सा अच्छे से केचुए मिट्टी निकाल रहा है इसमें। ये पूरा खेत हमारा 5 साल से किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं डालते हैं। तो मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि नया पत्ता अभी मुझे खाया हुआ नहीं दिख रहा है। आप कहीं पे भी देख सकते हैं, मैं इतने आया हूँ, यह जो भी पत्ती है, यह जो इसका ये निकालता है खाने के बाद पोटी, तो ये भी ऐसा सूखा हुआ ही हेड़ा है, ये कहीं पे भी अभी नया नहीं है। मतलब खा तो रखा है, नुकसान पहले हो चुका है मेरा बहुत सारा, पर उसके बाद कंट्रोल है। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी दो दिन छोड़ के फिर इसमें गौमूत्र, हींग और गुड़ का स्प्रे फिर करने वाला हूँ, ताकि इसमें हम पूरा का पूरा इसमें खरपतवार भी मज़दूरों से ही निकलवाते हैं। तो रिज़ल्ट है इस चीज़ का, ये यहाँ तक हम खरपतवार निकाल चुके हैं मज़दूरों से, अभी खरपतवार इधर निकालना है। तो इधर छोटा मक्का था कुछ, तो इधर ज़्यादा नुकसान हुआ था, फिर भी इधर भी कंट्रोलिंग है, बहुत सारा नुकसान हो गया था। ये देखो, अभी आपको बताता हूँ, ये अभी ताज़ा निकाला हुआ है, इसमें शायद इल्ला नहीं मरा है। ये देखो, ये ऐसा, ये इसमें तो पुराना ही है, ये अभी इसमें निकाला है, इसमें हो सकता है इल्ली नहीं मरी हो। देख सकते हो आप, ये इसमें इल्ली नज़र तो नहीं आ रही है, पर लगता है ताज़ा खा रखा है ये। तो अभी फिर इसमें एक बार और स्प्रे कर देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा पूरी तरह से। मक्का में बहुत नुकसान हो गया था इस इल्ली के कारण। और सामने ही हमारा इधर सब्जी लगी हुई, इसमें भी हमने स्प्रे किया, तो भिंडी में भी मच्छर काफ़ी कंट्रोल हुआ है।
ये इधर उड़द भी है साथ में। ये गिलकी, लौकी, तुरई लगी हुई है, तो यहाँ पे भी स्प्रे किया था हमने।